अली साहब, पीडीएम की भी ये कोशिश थी कि असेंबली डिसॉल्व ना हो। जैसे ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया था पिछले हफ्ते दोनों वज़राए आला को बिठाकर, तो पीडीएम ने कहा था कि हम तो इसको रोकने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे कि असेंबली डिसॉल्व ना हो। फिर पिछले दो तीन दिन से जो सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, फिर गवर्नर का डी नोटिफाई करना, फिर वज़ीर आला का अदालत चले जाना, फिर 11 जनवरी तक अब टाइम मिल गया है, फिर अंडरटेकिंग दे देना कि तब तक वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे अगली समात तक, तो क्या आप समझते हैं कि ये परवेज इलाही की भी जाहिर ख्वाहिश थी? वो इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं, मोनिस इलाही भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हमारी राय पूछी जाए तो हम चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, ये खतरा टल गया है असेंबली तहलील होने का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये हमारी जमहूरियत में एक अजीब सी रिवायत चल पड़ी है कि रात को ही शब खून मारा जाता है, और ये एक तरह से पुरानी शराब नई बोतल में डालने की कोशिश की गई। जो 58 बी का जिन बोतल में बंद कर दिया गया उसको कल रात दोबारा निकालने की कोशिश की गई, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। कल को फिर सदर मुमलिकत भी जाहिर है, फिर उधर भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है हमारे सदर जो हैं वो तो एक पोलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन कोई तो क्या वो भी कोई चांस है शहबाज शरीफ को कहें एतमाद का वोट लो ना लें, डी नोटिफाई कर दें, ये एक्सरसाइज वहां भी 58 बी के खात्मे के बाद ये कैसे रिपीट हो सकता है ये सारा कुछ? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अर्ज ये कर रहा था, आपने बात बीच में काट दी कि अगर कोई बलीग और रहमान साहब जैसा उनका कोई डुप्लीकेट सदर बन गया तो कल को वो भी यही करेगा, हालांकि ये एक प्रोरोगेटिव होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का। ये जो आज हुआ है मैं समझता हूँ कि चले एक सिचुएशन बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, एक अंडरटेकिंग दी गई है अदालत में। हालांकि मेरी एज अ लॉयर ये मेरी एक राय है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट या आप पे एक बिस्टो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक हक दिया है, उसको आप किसी भी अंडरटेकिंग से आप डिनाउंस नहीं कर सकते, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरा कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है और हम उसको ओबे करेंगे कि अदालत में हमारी तरफ से कमिटमेंट गई है तो हमें उसको करना है। अब ये अगली तारीख तक आपकी बात सही है जो आपने इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है कि अगली तारीख तक तो उसको नहीं डिसोल्यूशन की जा सकती, लेकिन अगर अगली तारीख के बाद अदालत हमें कहती है कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, जो हम पे कंपल्शन उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लिया जाता है तो उसके बाद डिसॉल्व उसको किया जा सकता है, और डिसोल्यूशन के लिए उसकी जरूरत भी कोई ऐसी कंपल्शन। ये सारी नौबत क्यों आई, एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया गया? नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स आप लोग पूरे करके दिखा देते। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बंदा इधर से उधर जा ही नहीं सकता है, उनके वोट जाहिर है काउंट ही नहीं होंगे, शुमारी नहीं होंगे, तो फिर एतमाद का वोट लेने में रिलक्टेंट कौन था? लोग पूरे नहीं थे, वजह क्या बनी? ये सारी जाहिर है सूरत हाल इसी वजह से पैदा हुई ना कि एतमाद का वोट नहीं लिया। सियासत में आप गैर जरूरी बोझ अपने सर पे नहीं लेते, जिम्मेदारी पीडीएम की हुकूमत की थी, पंजाब की अपोजिशन की, कि वो अदम एतमाद ला रहे थे, तो आप किसी और के सर का बोझ अपने सर कहीं नहीं लेते, खासकर सियासत में। हालांकि आपको याद होगा कि कोई कानूनी या आईनी कंपल्शन नहीं थी, लेकिन अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब ने जब हफीज शेख साहब का इलेक्शन आपको याद होगा सेनेट का, हम यहाँ पे हारे थे इस्लामाबाद में, तो हम सबकी राय ये थी खान साहब को कि कोई जरूरी नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं। अखलाकी तौर पे मैं चूंकि इस्लामाबाद की सीट हम हार गए हैं, मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि हमें अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, तो बगैर किसी के कहे या किसी के डायरेक्शन के खान साहब ने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको याद होगा लिया। आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए काफी तगदो करनी पड़ती है, अपने लोग आपको लाने पड़ते हैं, या कोई लोग बाहर होते हैं, कोई उम्र पे, कोई बीमार, कोई दौरे पे, कोई इधर कोई उधर, तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि तो आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब को इखलाकी तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहिए था, इखलाकी तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब ने लिया था परवेज इलाही साहब भी ले लेते, तो जाहिर है असेंबली डिसॉल्व करने का आप लोगों का जो एक प्लान था जो अनाउंस भी किया गया, फिर तो उसको कोई रोक नहीं सकता था। नहीं, मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर तो अपोजिशन जो पंजाब की अपोजिशन है उनको ये ऑप्शन रहने देना चाहिए था, क्योंकि बरमला पीडीएम की लीडरशिप बशमोलियम के इंटीरियर मिनिस्टर की और बहुत सी ऑन की लीडरशिप की, क्या आप इनको दोनों असेंबलियों को आप तहलील करें और अगले दिन आप जनरल इलेक्शन ले लें, तो अपनी बात से तो पीछे ये लोग हटे हैं। अखलाकी तौर पे
तो जो पीडीएम की हुकूमत है वो बैकफुट पे गई है। अच्छा अली साहब, ये 3-4 महीनों से क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा है? मामला अदालत में चला गया है, कुछ लोगों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी होती नजर आ रही है कि असेंबलियों की जो मुद्दत है इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो इतना बड़ा स्टंट खेल कर ये क्या मिला है तहरीक इंसाफ को? एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि हम असेंबलियां तोड़ेंगे, तो अपनी बात पे खड़े रहे, और जो डर गए उसका नाम पीडीएम है। और इमरान खान साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे। आज जुमे का एक मुबारक दिन था, बड़ा नेक दिन था इस नेक काम के लिए, लेकिन पीडीएम लेकिन वाले डर के पीडीएम वैसे मारे। बात कर रही थी कि कोई नहीं टूटे वूटेंगी असेंबलियां, भले इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये पिछले इमरान खान साहब की तकरीर के बाद, कि आप पीडीएम के बयानात निकाल कर देख लें, वो उसी दिन कहना शुरू हो गए कि कोई नहीं टूटेंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी असेंबलियां, और वही हुआ है। देखिए, खान साहब ने तो बड़ी सियासी बालिग नजरी का सबूत दिया जब उन्होंने 6 दिन का गैप दिया कि 6 दिन में एक ऑप्शन दिया, कि असल में तो मकसद ये नहीं था कि असेंबलियां तोड़े, कोई असेंबलियां तोड़ने का गेम खेलने तो हम सब नहीं आए बैठे। असल मकसद तो जनरल इलेक्शन फोर्स करना था, एक मौका दिया था सियासी प्लेयर्स को कि बैठे, सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें और इसका कोई हल निकालें, क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो नहीं है कि कोई कहे कि अपनी मुद्दत पूरी करें। इस वक्त तो इस दलदल से, सियासी दलदल से निकलना है, ये भी निकलना चाहते हैं, ये भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अभी बजट आ रहा है 2023 का, तो वो जो भी हुकूमत आएगी मुल्क के लिए अच्छा ये है कि बजाय इसके कि ये हुकूमत वो बजट दे जो उसने जल्दी में अपने जाहिर अपने एंड्स मीट करने हैं और अपनी फायर फाइटिंग करनी है, ये बजट वो हुकूमत दे जिसने 5 साल मुल्क चलाना है, ताकि जो काम इस बजट के बाद नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा और अगला बजट 2024 का फिर मुल्क को ठीक करने का बजट होगा, हम 1 साल डिले में क्यों जाएं? 2023 में ये वो तो आप लोगों की ख्वाहिश है, जो लेकिन आईनी तौर पर उन पर तो कोई कदगर नहीं है, वो तो आईनी अपनी मुद्दत अगर पूरी करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये आप लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोग ये बजट पेश ना करें, मुद्दत तो जाकर अभी कोई जुलाई अगस्त में पूरी होगी ना इस हुकूमत की। देखिए, हमारी ख्वाहिश नहीं है, मुल्क की जरूरत है। मैंने आपको जो नुकता पेश किया, आई होप कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगी, कि ये 2023 में ये पीडीएम की हुकूमत, जिससे कोई मुल्क का आवे कावा बिगड़ा हुआ है, वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ना फॉरेन अफेयर्स, ना इंटरनल सिक्योरिटी, ना मईशत, कोई चीज उनसे ठीक नहीं हो रही, तो इन लोगों ने जो दिया तो ये तो फायर फाइटिंग करेंगे ना, कि अगला बजट अपना ये इस तरह से देंगे कि हम इलेक्शन कैसे जीतें। हमें इलेक्शन जीतने वाला बजट नहीं, मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने वाला फ्यूचरिस्टिक बजट चाहिए, वो वही हुकूमत देगी जिसके पास इस बजट से पहले 5 साल का मैंडेट आएगा। मुल्क के लिए अच्छा ये है कि बजाय इसके कि ये हुकूमत वो बजट दे जो उसने जल्दी में अपने जाहिर अपने एंड्स मीट करने हैं और अपनी फायर फाइटिंग करनी है, ये बजट वो हुकूमत दे जिसने 5 साल मुल्क चलाना है, ताकि जो काम इस बजट के बाद नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा और अगला बजट 2024 का फिर मुल्क को ठीक करने का बजट होगा, हम 1 साल डिले में क्यों जाएं? 2023 में ये वो तो आप लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन आईनी तौर पर उन पर तो कोई कदगर नहीं है, वो तो आईनी अपनी मुद्दत अगर पूरी करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये आप लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोग ये बजट पेश ना करें, मुद्दत तो जाकर अभी कोई जुलाई अगस्त में पूरी होगी ना इस हुकूमत की। देखिए, हमारी ख्वाहिश नहीं है, मुल्क की जरूरत है। मैंने आपको जो नुकता पेश किया, आई होप कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगी, कि ये 2023 में ये पीडीएम की हुकूमत, जिससे कोई मुल्क का आवे कावा बिगड़ा हुआ है, वो कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ना फॉरेन अफेयर्स, ना इंटरनल सिक्योरिटी, ना मईशत, कोई चीज उनसे ठीक नहीं हो रही, तो इन लोगों ने जो दिया तो ये तो फायर फाइटिंग करेंगे ना, कि अगला बजट अपना ये इस तरह से देंगे कि हम इलेक्शन कैसे जीतें। हमें इलेक्शन जीतने वाला बजट नहीं, मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने वाला फ्यूचरिस्टिक बजट चाहिए, वो वही हुकूमत देगी जिसके पास इस बजट से पहले 5 साल का मैंडेट आएगा।